हेलो स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। आज देखिए, आज जो विशेष रूप से आप लोगों के बीच पेश किया जाता है वो है पीसीएस मेंस परीक्षा 2021 2021 इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति यानी जीएस प्रथम प्रश्न पत्र का, जीएस फर्स्ट पेपर का रणनीति क्या होनी चाहिए। और उसके बाद ये रणनीति के समझिए कि जीएस फर्स्ट पेपर तो हम बताएंगे, लेकिन इस सबकी जान लीजिए मुख्य परीक्षा कब है, जनवरी 2022 में है। ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2022 में। प्री तो आप पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन साथ में मेंस की रणनीति जानिए कैसे क्या है। और विशेष ध्यान देखिए, और हिंदी माध्यम देखिए। हम क्यों लिखें, सबका एक एक रीज़न है, एक एक हम पॉइंट करके सबका डिस्कस करेंगे आपके सामने। जीएस प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास आता है, भूगोल आता है और उत्तर प्रदेश विशेष आता है। ध्यान दीजिएगा, इतिहास, भूगोल, उत्तर प्रदेश, यानी भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास आएगा। और भूगोल में भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल और विश्व का भूगोल आएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इतिहास उठाते हैं, इसमें को एक बार आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उस पर बताते हैं कि पेपर में कैसे कैसे क्या होना चाहिए। मुख्य परीक्षा आपके सामने है, कैलेंडर आ चुका है, अब 2022 में है, 2022 में है। तो आपसे देखिए, अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका जनवरी 2022 तक जाते जाते पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समझिए कि अब एग्जाम लगे हुए हैं, आयोग के एग्जाम लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग देखिए सब में जुट जाएंगे, जीआईसी में भी जुट जाएंगे, पीसीएस में भी जुट जाएंगे और आरओ में भी जुट जाएंगे। तो आप बस पीसीएस मेंस के लिए देखिए फोकस करिए, अगर पीसीएस मेंस आपको क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप फोकस करिए उस पर। मुख्य परीक्षा जनवरी, विशेष ध्यान में ध्यान दीजिएगा। विशेष ध्यान का हम इसलिए लिखे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अभी हम एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे आपको क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और देखिए, यहाँ जो चौथा पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी माध्यम। इसमें क्या है, हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम वाले बहुत रिजल्ट आता है तो अफसोस में रहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, या हिंदी मीडियम वालों को साइड किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी माध्यम वालों को साइड किया जा रहा है। मेन समझिए कि इस पर आप देखिएगा, क्यों? क्योंकि समझिए, आप देखते होंगे कि 2010 के बाद, 2010 के बाद जो भी बंदा हाई स्कूल किया वो सीबीएसई बोर्ड से किया, मैक्सिमम सीबीएसई, आईसीएसई यानी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। आप भी खुद देख लीजिए अपने घर के बच्चों को किस मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो इस वजह से अगर आप तैयारी करने वालों की रेशियो देखिए तो 80 संबंधे 20 का हो गया है, 80 संबंधे 20 का हो गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 80% इंग्लिश मीडियम वाले देते हैं और 20% ज्यादा हो जा रहा है तो 70 मान लीजिए, और इतना हिंदी मीडियम्स के दे रहे हैं। तो इसी रेशियो में सिलेक्शन होगा। आप अपने कोचिंग में, अपने संस्था में, जहां पर जान पहचान में देख लीजिए कि इंग्लिश की तादाद, इंग्लिश की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए सिलेक्शन 500 में से 500 सीट आती है। तो समझिए, फिर भी सिलेक्शन समझिए कि हिंदी मीडियम समझिए कि इसमें से क्या है, सीट के मामले में फिर भी थोड़ा सा कम रहते हैं हिंदी मीडियम, और इसी रेशियो में सिलेक्शन हो जाता है। लोग कहते हैं अरे हिंदी में होता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये निगेटिव थिंकिंग आप निकालिए निकालिए। होगा, क्यों नहीं होगा, हिंदी मीडियम से बहुत लोगों का होता है और होगा भी। ठीक, तो यहाँ से निकालिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम आप बिल्कुल निकाल लीजिए। जो आपसे कह रहा है वो समझिए आपको, आपका मनोबल डाउन कर रहा है, आपका मनोबल वो डाउन कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम खुद एक हिंदी मीडियम से हैं, जो पुराने लोग हैं वो हिंदी मीडियम से, जो नए बच्चे आ रहे हैं, आपको एक उदाहरण देख लीजिएगा, कोई भी अब हिंदी मीडियम से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता है। अब आइए देखते हैं, विशेष ध्यान पे देखते हैं, इसी रणनीति पे देखते हैं। समय समझिए, जनवरी है, परीक्षा प्लस की रणनीति क्या है, परीक्षा प्लस की रणनीति क्या है। ठीक, आइए देखते हैं परीक्षा प्लस की रणनीति क्या है, रणनीति क्या है प्रथम प्रश्न पत्र का। ठीक, जीएस यानी सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का क्या है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा आप, हिस्ट्री, अभी हम उदाहरण देख के उदाहरण स्वरूप बताएंगे, विशेष ध्यान आपको क्या रखना है, कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री, जियोग्राफी,
यूपी, ध्यान दीजिएगा यूपी सब में रहेगा, थर्ड फोर्थ पेपर छोड़ करके यूपी सब में रहेगा। क्यों? अगर यूपी का इतिहास पूछेगा तो फर्स्ट पेपर में आ जाएगा, यूपी का भूगोल पूछेगा तो फर्स्ट पेपर में आ जाएगा, यूपी का प्रशासन पूछेगा तो सेकंड पेपर में आ जाएगा, यूपी का इकोनॉमिक पूछेगा तो थर्ड पेपर में आ जाएगा। ठीक, यूपी सब में रहेगा। अब देखिए, जैसे अब बताएं विशेष ध्यान आपको यहां होगा, विशेष ध्यान क्या रखना है, जैसे हिस्ट्री पे हम बता रहे हैं, हिस्ट्री पे आप, हिस्ट्री पे सबसे पहला जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से देखिए, यहां से क्या आपको देखना है, नगर नियोजन, अच्छी तरह से आप पढ़ जाइए नगर नियोजन, यहां से क्वेश्चन फिक्स है, यहां से क्वेश्चन नगर नियोजन, मात्र एक क्वेश्चन आता है यहां से नगर नियोजन। ठीक, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, नगर नियोजन हो गया। फिर उसके बाद वैदिक काल से, ध्यान दीजिएगा वैदिक काल से हमेशा क्वेश्चन जो आया है वो समाज का क्वेश्चन आया है, समाज कैसा था वैदिक कालीन, समाज कैसा था, समाज से क्वेश्चन आया है। ठीक, ये नहीं कि देवी देवता और कुछ भी, वैसे क्वेश्चन आया ही नहीं आया हमेशा, यानी वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी। अगर आप समाज के बारे में लिख रहे हैं तो समाज समझिए धर्म से होकर ही गुजरेगा, सबसे पहले महिला स्थिति के बारे में जानेंगे, समाज तो महिलाओं से ही बनता है ना, अगर महिला व्यवस्था अच्छी है तो समाज अच्छा होगा, महिला व्यवस्था खराब है तो खराब होगा। फिर देखिए विशेष ध्यान की तरफ हम लेके जा रहे हैं, फिर देखिए विशेष ध्यान में जो सबसे बड़ा पार्ट है, यहां पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस पर देखिएगा, हर साल क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति, हमेशा क्वेश्चन आएगा, इसको आप प्री में भी क्वेश्चन देता है और मेंस में भी क्वेश्चन देता है। जो इसका पहला क्वेश्चन 2018 पीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर में भी आया था, ऑप्शनल फर्स्ट पेपर में भी आया था, ठीक ना, जो ऑप्शनल हिस्ट्री वाले थे उनके फर्स्ट पेपर में भी आया, उनके प्रथम प्रश्न पत्र में आया था, द्वितीय प्रश्न पत्र में आया था, और समझिए जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र में आया था। देखिए क्वेश्चन, देखिए इसके, देखिए कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले कारण क्या था, किसी भी काम करने का कुछ ना तो कुछ कारण होता है, तो 57वीं क्रांति का कारण क्या था, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत आप पढ़ते हैं लेकिन ये ऐसे पढ़िए कि कारण क्या था, बस आप चार पांच कारण जान जाइए, क्योंकि अब देखिए बहुत ज्यादा भूमिका बांधने का आपको पेज मिलता नहीं है, और आपका लिमिट एक कर दिया गया है 200 शब्द का और 125 शब्द का, 200 शब्द में आप कितना बड़ा लिखेंगे, 200 शब्द में आप कितना बड़ा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ज्यादा आप करेंगे कि ये समझिए पेज है आपका, ये पेज है, इसके बाहर आपको जाना नहीं है, तो यहां क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत ज्यादा आप करेंगे तो एक लाइन दो लाइन इतने का आप भूमिका मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 वर्ड का, 30 से 40 वर्ड का। फिर उसके बाद आप सबका एक सीरियल वाइज कारण में बता रहे हैं, कारण में सबसे पहले जानिए, अगर युद्ध हो रहा है तो उसके राजनीतिक कारण पे जाइए, अगर इतिहास पढ़ रहे हैं कारण आप दर्शाना है तो सबसे पहले इतिहास का क्वेश्चन पूछता है तो राजनीतिक कारण पे जाइए। ठीक, राजनीतिक कारण में सब कुछ आ जाएगा, प्रशासन भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, इसके बहुत कारण थे, आपको अगर प्री का पांच कारण पता होगा तो यहां से आपका पेज 200 वर्ड आपका हो जाएगा, दो दो तीन तीन लाइन का, तीन लाइन का पॉइंट में आप लिखिए, आपको अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहां से कारण हुआ पहला, देखिए कारण, देखिए पहला क्वेश्चन कारण हो गया, जब कारण हुआ तो इसका कुछ होगा, युद्ध हो रहा है तो परिणाम क्या रहा, परिणाम में समझिए सबका एक एक पेपर में आपको बताया जाएगा, यहां बस हम रणनीति बता रहे हैं। फिर उसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यानी कि भारत के क्रांतिकारियों पे क्या प्रभाव पड़ा 1857 की क्रांति पे, प्रभाव में कभी कभी सफलता के कारण पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता असफल होने के कारण, असफल होने के कारण। फिर देखिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो है स्वरूप, इसका स्वरूप क्या था, स्वरूप का तात्पर्य यह है कि
ये प्री में यहां से बहुत क्वेश्चन आता है, लेकिन आप मेंस के स्वरूप में जानिए इसका स्वरूप, यानी इसका नेचर क्या था, किसने क्या कहा था। आप अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन देगा अपने आप अपने हिसाब से लिखिए, आप इसका विश्लेषण करिए, अपने अपना व्यू दीजिए तो अपना व्यू देंगे। लेकिन आपके पास समझिए 4-5 राइटर ऑलरेडी हैं जानने वाले, किसने क्या क्या कहा है, किसने कहा है कि सैनिक विद्रोह था, किसने कहा है राजनीतिक विद्रोह था, किसने कहा है कि धर्मांध का विरोध था, और तात्कालिक कारण में आप वो भी डाल सकते हैं, तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस। अब देखिए स्वरूप हो गया, अब यहां से ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा हिस्ट्री से, ठीक ये हो गया। अब आइए, अब देखिए एंशियंट में कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मौर्य से क्वेश्चन आएगा वो आएगा अशोक की धम्म नीति, अशोक की धम्म नीति क्या थी, अशोक की धम्म नीति क्या थी, ठीक अशोक की धम्म नीति क्या थी, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। अर्थशास्त्र में सप्तांग, सप्तांग ये देखिए दोनों में क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा अर्थशास्त्र के सप्तांग, यानी कि जीएस सेकेंड पेपर में भी आ जाएगा यहां से, और जीएस फर्स्ट पेपर में भी आ जाएगा कौटिल्य के सप्तांग, ठीक। अब देखिए यहां से दो क्वेश्चन, यानी मौर्य काल से आप दो क्वेश्चन बस तैयार करिए, और प्रशासन बहुत मानिए तो प्रशासन भी तैयार कर लीजिए, लेकिन प्रशासन से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रशासन पूछे अगर प्रशासन पूछ भी रहा है तब समझिए अकबर का प्रशासन पूछेगा, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था पूछेगा, क्वेश्चन कई बार आया है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, अकबर की धार्मिक नीति से क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब देखिए यहां से आइए, अब अलाउद्दीन एक सल्तनत काल में स्थापत्य कला से क्वेश्चन आ सकता है, स्थापत्य कला से, और जो देखिए जो कोर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन फर्स्ट पेपर में जानी है, अलाउद्दीन खिलजी आप समझिए कि थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा पढ़ के लेकिन सॉलिड पढ़िए, किसी किताब से पढ़िए, ठीक। अगर आपको कहीं नहीं कुछ मिल रहा है तो समझिए परीक्षा प्लस पे सब मैटर आपका लगा हुआ है, आप जा करके चैनल पे कॉल करके देख सकते हैं और वहां से मंगा भी सकते हैं। देखिए अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिए, इनका समझिए दो क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी पे दो क्वेश्चन, एक सबसे पहले दक्षिण विजय की नीति, कई बार क्वेश्चन आया है अलाउद्दीन के दक्षिण विजय की नीति क्या थी, ध्यान दीजिएगा क्यों, क्योंकि सबसे अलग थी अलाउद्दीन की दक्षिण विजय की नीति क्या थी, और अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण अगर आप पूरा सल्तनत ही लेके बैठे हैं मेंस पढ़ने के लिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि बस यहीं पे फोकस करिए अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण और दक्षिणी नीति, ठीक। अब देखिए यहां पे समझिए, यहां से इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो समझिए धर्म पे थोड़े से ज्यादा जोर दिए थे, धर्म पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दिए थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन आप जानिए, समाज के बारे में, समाज देखिए, समाज आपको मेडुअल से और गुप्त के, गुप्त का समाज कभी नहीं पूछ सकता, मौर्य का समाज कभी नहीं पूछ सकता, मगध का समाज कभी नहीं पूछ सकता, समाज जो पूछेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कालीन सभ्यता का समाज पूछेगा, या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछेगा। अब देखिए यहां पर आइए आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं कि आपका ध्यान यहीं तक रहे, ठीक, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव था, ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव था, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे समझिए आप तो जान गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, तो यहां समझिए आप सब कुछ लिखना शुरू करेंगे जो उतना जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए या तो पूछ लेगा अस्थाई बंदोबस्त, ये भी बहुत बड़ा कारण था भारतीय अर्थव्यवस्था पे, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, महलवाड़ी यहां से क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है पीसीएस मेंस में, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, यहां से हो गया आपका। अब समझिए आधुनिक भारत में, और जैसे धन निष्कासन के सिद्धांत 2018 पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके इर्द गिर्द आप देखिए पूछा था धन निष्कासन के सिद्धांत की विशेषता बताइए तुलनात्मक, तो वहां पे अब उसके बारे में धन सिद्धांत की अवधारणा पूछ सकता है, पूछ सकता है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि
1942 की क्रांति हो गया जल्दी। आप कुछ वैसे आंदोलन बिल्कुल नहीं पूछेगा, किसान आंदोलन पे तो बिल्कुल ध्यान रखिए, किसान आंदोलन को बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर किसान आंदोलन पे ध्यान नहीं रखें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बना है किसान आंदोलन, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है रिलेट करके, रिलेट करके। ठीक, अब देखिए यहां पे स्थापत्य कला में आते हैं, स्थापत्य कला में आते हैं। स्थापत्य कला जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देगा स्थापत्य कला में, वो एंशियंट हिस्ट्री से आता है, प्राचीन इतिहास से आता है। स्थापत्य कला प्राचीन इतिहास का में आता है। और उत्तर प्रदेश का अगर क्वेश्चन बन रहा है स्थापत्य कला, तो मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास से आता है। मध्यकालीन तात्पर्य क्या है कि जौनपुर, जौनपुर समझिए कि जौनपुर से, ठीक, जौनपुर से ज्यादा सरकी वंश जो वंश बनवाए थे वहां से। अब देखिए स्थापत्य कला में देखिए, यहां से आप देखिए, यहां से पल्लव का पढ़िएगा, पल्लव राष्ट्रकूट चोल, यहीं से आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका। स्थापत्य कला का जो क्वेश्चन बनता है यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए फर्स्ट पेपर में आपका ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी भी है। ज्योग्राफी कैसे, ज्योग्राफी में देखिए आपका बहुत ज्यादा मत पढ़िए, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये रणनीति है इतने दिन में आप कैसे कैसे क्या करें। और विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप जानिए पुनर्जागरण, पुनर्जागरण यानी इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का पुनर्जागरण। फिर उसके बाद क्रांति, पुनर्जागरण में आप भारत का भी कर लीजिए, यहां पे भारत का भी, भारत का भी, क्योंकि राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण, देखिए राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती दो लोगों को बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब ये नहीं कि तिलक के पुनर्जागरण पे क्वेश्चन आ जाएगा और फिर समझिए जो छोटे छोटे हैं। ठीक, अब देखिए यहां पे क्रांति, अब क्रांति में समझिए, क्रांति में विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति जानिए, फ्रांस की, रूस की, जर्मनी की, अमेरिका की, इटली की, बस इतना ही क्रांति आप जानिए, क्योंकि आपको जीएस में यानी कि जीएस में पूछ रहा है, ऑप्शनल में नहीं पूछ रहा है, हम जीएस की बात कर रहे हैं। इतना समझिए कि क्रांतियां आपके लिए बहुत है, बहुत है। ठीक, ऐसे करके ज्योग्राफी वाले पार्ट में देखिए, ज्योग्राफी वाले पार्ट में जैसे आपको जो चीज छोड़ नहीं सकते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पढ़िए मेंस में ही तो है, मेंस में जितना पढ़िए सेलेक्टेड पढ़िए, सॉलिड पढ़िए। अब देखिए जियोग्राफी में, जियोग्राफी में भारत, विश्व, ठीक, देखिएगा भारत का तात्पर्य यह है कि भारत से डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, रिलेट करके आएगा, रिलेट करके आएगा, या सीमा से संबंधित हो, सीमा से संबंधित हो, या खनिज से संबंधित हो। और देखिए अब बीच में आपका है भूकंप से भी क्वेश्चन आएगा, आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से, उत्पत्ति से क्वेश्चन आएगा, 2018 में आया था, 2018 पीसीएस मेंस में आया था। अब समझिए जलवायु से, जलवायु से क्वेश्चन यहां हम इसलिए डाल रहे हैं, जलवायु, जलवायु उत्तर प्रदेश का भी जलवायु दे सकता है, भारत का भी दे सकता है, विश्व का भी दे सकता है, लेकिन इसमें चार पांच टर्म आप याद रखिएगा, चार पांच टर्म आप याद रखिएगा, जलवायु से क्वेश्चन भी आता है यहां से। ठीक, अब विश्व के और देखिए क्या है, धाराएं, पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है समझिए इसका, वो चक्रवात, प्रति चक्रवात, धाराएं। अब देखिए इसको करने के लिए आप मैप का प्रयोग जरूर करिएगा, चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों में मैप का प्रयोग जरूर करिएगा, अब निशान भी बनाइएगा, सब करके आप बनाइएगा भी चक्रवात, समझिए मैप जरूर बनाइएगा, चक्रवात है तो एक मैप बना दीजिए, वैसा मैप ना बनाएंगे, एक गोला वाला मैप बनाइए, कितने डिग्री तक क्या है, किधर किधर किसका रुख है, किधर किसका रुख है, किधर किसका रुख है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जा रहा है या निम्न ताप से उच्च की तरफ जा ताप की तरफ जा रहा है, यहां से बनाइए। और धाराएं में, धाराएं में अगर आपको विश्व का मैप ना बनाना आता हो, विश्व का मैप ना बनाना आता हो, तब समझिए आप एनसीईआरटी में उठाइएगा, एनसीईआरटी में उठाइएगा। अब समझिए
ऐसे करके भी आप सटीक जगह पे आप बना सकते हैं, ऐसे करके आयत में आप बना सकते हैं। ठीक, तो अब समझिए यही था आपका मेन रणनीति। अब देखिए आपसे बताया ना, हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल समझिए कि असमंजस में ना रहें कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन ही नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन रेशियो की दृष्टि से हिंदी माध्यम का सिलेक्शन अभी भी ज्यादा हो रहा है, अभी भी ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो समझिए कि जब अगर चार, अगर मेंस मान लीजिए अभी समथिंग पीसीएस 2021 में करीब 600 के करीब पोस्ट है, अभी समझिए बढ़ने के बहुत आसार हैं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो समझिए मेंस अगर 12,000 दे रहे हैं, 12,000 मेंस दे रहे हैं, तो 12,000 में ध्यान दीजिएगा, 12,000 में कम से कम 8,000 मेंस देने वाले इंग्लिश मीडियम के होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे, और 4,000 मेंस देने वाले हिंदी मीडियम के होंगे। और सिलेक्शन देखिए, आपसे कहें ना सिलेक्शन इसी अनुपात में होगा सिलेक्शन। आप ये लोग मत सोचिए कि हिंदी में लिख के आ रहे हैं सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, इंग्लिश में लिख के आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आज की तैयारी करने वाले मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम बस थोड़े बहुत बचे हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। वो भी कौन बचे हैं हिंदी मीडियम वाले? जो समझिए 35+ हैं, 35+ हैं वो हिंदी मीडियम वाले बचे हैं। और बाकी समझिए आप देखेंगे 30 के और 25 के बीच में तो सब आपको इंग्लिश मीडियम दिखेंगे। इसीलिए समझिए कह रहे हैं आप बिल्कुल होपलेस मत होइएगा। ठीक, आपको आपको पीसीएस मेंस के बारे में ऐसे ही समझिए, फर्स्ट पेपर समझिए हर संडे को फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर करके एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन का स्लॉट आपको दिया जाएगा यहाँ से। ठीक, तो आपके आपको वहाँ पे परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अब इसके बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो परीक्षा प्लस का ऐप डाउनलोड करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दिए गए नंबर पे कॉल करके कुछ भी आपको जानना हो एनी टाइम कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आप समझिए सबका तैयार बहुत, इस बार जो तैयार हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। आप मैप का प्रयोग जरूर करिए और डायग्राम कैसे लिखें, देखिए होता क्या है कि आप कई जगह जाएंगे तो लोग कहेंगे कैसे लिखें उसको, तो आप पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए। क्यों? और बिल्कुल पॉइंट में लिखिए तो गलत बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि आप उसी दम पकड़े जाएंगे, उसी दम पकड़े जाएंगे, फिर आपको नंबर उस पर नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, 600 वर्ड का होता था, 500 वर्ड का होता था, तो उसमें क्या होता था आप गलत भी लिख रहे हैं तो एग्जामिनर उतना देख नहीं रहा है, आपको कोई नहीं टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं था। और अब क्या है, आपको एक ही पेज में दो पेज में दर्शाना है पॉइंट पॉइंट में, गलत हो जाएगा तो आप पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक, तो आपको कुछ भी जानना हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसके ऐसे ही सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सबका समझिए कि आपके सामने पेश किया जाएगा, आपके सामने सब कुछ आएगा। और हर संडे को एक या दो क्वेश्चन का आपके सामने आपको दिया जाएगा और उसका डिस्कस भी कराया जाएगा। अब तक जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी तो समझिए कि 2-3 एग्जाम हुआ है सब्जेक्टिव में, और इससे पहले क्या होता था ऑब्जेक्टिव होता था, तो इसको आप जरूर देखिएगा।